हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करती हूँ आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने भाई की हल्दी, भात एंड रिंग सेरेमनी का फंक्शन शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून एंड आई होप आप इंजॉय करेंगे। आज सुबह सुबह हल्दी का फंक्शन है तो आप सब लोगों को येलो आउटफिट्स में देखेंगे और सारी डेकोरेशन येलो फ्लावर्स से की गई है। सबसे पहले मैं आपको अपने बच्चों से मिलवा देती हूँ। केशु की आज तबीयत ठीक नहीं थी, उसको मैंने येलो कुर्ता पहनाया था बट लेटर ऑन आई हैड टू चेंज। और ये है मेरा गोविंद जो अपने येलो कुर्ते में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। अब क्विकली अपना आउटफिट भी दिखाती हूँ। मैंने ये येलो कलर का लहंगा पहना है जो मैंने सिया फैशन से लिया है। सिया फैशन इज एन ऑनलाइन इंडियन एथनिक वेयर ब्रांड जहाँ पे आपको बच्चों से लेके बड़ों तक के सारे इंडियन वेयर मिल जाएंगे और उनकी क्लोथिंग अमेजिंग क्वालिटी की है। मुझे ये लहंगा पहनने के बाद बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। इनके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अलॉन्ग विद द वेबसाइट डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट जरूर करिएगा। और सारे आउटफिट्स के लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड हल्दी फंक्शन के लिए ना मैंने ज्वेलरी फ्लोरल बनवाई थी, फ्रेश फ्लावर्स की ज्वेलरी मैंने बनवाई थी और ये लुक ना बहुत प्यारा लगा था। बाकी आप बताइएगा आपको मेरा हल्दी लुक कैसा लगा। तो बस ये था मेरा आउटफिट, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब चलते हैं हल्दात फंक्शन में। सबसे पहले हल्दात होने वाला है, इसमें क्या होता है दो कंटेनर्स रखे हुए हैं, एक में जौ है और एक में नमक है और दो इसमें इस तरीके के लकड़ी के रखे हुए हैं। 7 बार हमें ना बिना भिड़ाए हुए इस तरीके से इन्हें घुमाना है। एंड कहा जाता है अगर आप इन्हें टच कर दो ना तो कपल्स में आपस में काफ़ी लड़ाई होती है, तो बहुत केयरफुली इसको करना होता है। इंडियन वेडिंग में ना रिचुअल्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, करने में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने भी ये हल्दात का रिचुअल निभाया और उसके बाद अपने नटखट भाई के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। और हमारा जो फोटोग्राफर था ना वो बहुत क्यूट था, उसने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींची है, मैं सब इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी। और ये है मेरी प्यारी प्यारी मामी जी, मौसी जी। और अब हो रहा है तेल बान का फंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि तेल चढ़ाया जाता है, तेल, हल्दी, मेहंदी 7 बार पैर से ऊपर सर की तरफ लेके जाएंगे और उसके बाद फिर ये तेल उतरता है। तो कुछ इस तरीके के रिचुअल्स हैं। सबसे पहले जीजा जी उसको तेल चढ़ा रहे हैं और ये है मेरी डुआ जी और फूफा जी और ये है हमारा डैशिंग दूल्हा और उसके साथ उसका क्यूट सब बिंदायक। घर की सब लेडीज एंड जेंट्स ने सबसे पहले दूल्हे को तेल चढ़ाया, अब मम्मी और पापा उसको दही चढ़ा रहे हैं। कुछ इस टाइप का रिचुअल है ये, इसमें दही से और उसके बाद पानी से इसको नहलाया जाएगा और उसके बाद ये नहाने जाएगा, उसके बाद इसकी हल्दी होगी। तो ये है मेरी फाइनली नई भाभी, आप मिल लीजिए, इनका नाम है उर्वशी। इन दोनों की हल्दी साथ में होने वाली है तो सबसे पहले बड़ी भाभी इन दोनों को इत्र लगा के हल्दी लगाएगी और उसके बाद मेरा नंबर आएगा हल्दी लगाने का। तो अभी मैं भाई को इत्र लगा रही हूँ और उसके बाद हल्दी लगा रही हूँ। एक्चुअली पहले ना हल्दी के फंक्शन अपने अपने होते थे, लाइक दूल्हे का अपना होता था, दुल्हन का अपना होता था, बट आजकल ना हल्दी का फंक्शन बहुत इंजॉय करते हैं सब लोग मिलके, तो सब साथ में होता है। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की एक साथ हल्दी हो रही है और इन लोगों ने ना एक दूसरे को और हम लोगों को इतना ज़्यादा पोत दिया था ना हल्दी में कि सारा मेकअप खराब हो गया था, बट वी हैड अ लॉट ऑफ फन। तो ये था हमारा हल्दी का फंक्शन, उसके बाद हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक कराई जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी फोटोज अपलोड करूंगी। अब चलते हैं भात के फंक्शन में। जब शादी होती है ना तो मामा भात लेकर आते हैं। अभी सबसे पहले मम्मी भात न्योतेगी, उसके बाद सारे मामा मिलके भात देंगे मम्मी को। तो ये मेरे बड़े मामा मामी जी हैं, भात न्योतने का फंक्शन सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट हुआ है। ये मेरे सेकंड नंबर वाले मामा मामी जी हैं और उसके बाद बारी आएगी मेरे थर्ड नंबर वाले मामा मामी जी की। मेरे एक और मामा मामी जी हैं फोर्थ नंबर वाले, उनसे मैं आपको किसी और वीडियो में मिलवाऊंगी, वो शादी में नहीं आ पाए थे, वो नाना नानी जी के साथ थे घर पे। और ये मेरे भैया भाभी हैं, मेरे बड़े मामा मामी जी के बच्चे। बहुत अच्छा लगता है भात के फंक्शन में भी, एक इमोशनल मोमेंट होता है बहन के लिए, बहुत अच्छा लगता है जब सारे भाई मिलके भात देते हैं। अब मम्मी के जो भी सारे भाई थे भात के टाइम पे वो मम्मी को मिलके चुनरी पहनाएंगे और आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, तो यस हम लोग मारवाड़ी हैं, हम लोगों में ना ये चुनरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पे शादी में ये पहनी जाती है और ये बहुत शुभ मानी जाती है। तो इस तरीके से मम्मी के सारे भाइयों ने मिलके मम्मी को ये चुनरी पहनाई है भात में।
हेलो दोस्तों, तो अभी मैं रूम में आ गई हूँ। हो गया है हल्दी का फंक्शन और अभी भात का भी ऑलमोस्ट डन हो गया। अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ था, बट केशु ना बहुत परेशान कर रहा था, उसके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है। जेट लैग होता है ना बच्चों को, तो काफी ज्यादा बच्चे क्रैंकी से हो जाते हैं। तो मैंने सोचा ऐसे मैं रूम में लेके जाती हूँ। जो भी मैंने फ्लोरल ज्वेलरी पहनी थी वो सब रिमूव कर दी है। अब बस मैं चेंज वेंज करके पहले अपने बच्चों को दोनों को कम्फर्टेबल करूंगी। गोविंद अभी नीचे ही है, बट मैं उसे भी बुला लूंगी। और शाम को है गोध, तिलक एंड संगीत का फंक्शन, तो अभी हम लोग अपनी ड्रेस चेंज करेंगे, पार्लर जाएंगे, रेडी होंगे, तो सारी चीजें करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। सो आई होप आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। तो चलो, अभी रूम की हालत बहुत ज्यादा खराब है, मेरा रूम पूरी तरह से मेस्ड अप है। मैं थोड़ा सा सेटल डाउन करूंगी, उसके बाद फिर कुछ करूंगी आगे। यह है शाम का फंक्शन। अब मेरे भाई का तिलक होगा, उसके बाद मेरी भाभी की गोद भरी जाएगी एंड फॉलोड बाय संगीत फंक्शन। तो सबसे पहले भाई का तिलक होगा, जो कि लड़की वालों की तरफ से होता है। लड़की वाले एक एक करके अपना नेक करेंगे, भाई का तिलक करेंगे, और जो भी नेक मिलता है ना दूल्हे को, वो अपनी मदर को इस तरीके से देता है। और जो भी दुल्हन को नेक मिलेगा उसकी गोद भराई के बाद, वो अपनी मदर को देती है। ये भी बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। मुझे ना अपनी गोद भराई याद आ गई थी, जब मैंने इस तरीके से अपनी मम्मी को झोली में दिया था सामान। और ये जो आप देख रही है ना ग्रीन साड़ी में, ये मेरी भाभी की मम्मी है, तो दोनों मम्मी साथ में मिलके फोटोज क्लिक करवा रही हैं। अब मैं आपको क्विकली अपना आउटफिट दिखाती हूँ शाम का। ये मैंने क्रॉप टॉप विद लहंगा लिया था। आप भी इस प्यारे से न्यू कपल को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड अब मैं आपको गोद भराई के फंक्शन में लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पे सारी लेडीज इस तरीके से बैठ गई हैं। जो भी लड़के वालों की तरफ से ज्वेलरी कपड़े चढ़ते हैं ना दुल्हन को, वो इस टाइम पे दिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी भाभी को तिलक करूंगी, उसके बाद जो भी मम्मी ने ज्वेलरी भाभी के लिए ली है वो एक एक करके सब लोग मिल के पहनाएंगे दुल्हन को। अब स्टार्ट होता है संगीत का फंक्शन। सब लोगों ने बहुत अच्छे से डांस प्रिपेयर किए थे अपने अपने, और सब लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मैं ट्राई ज़रूर करूंगी कि अपनी डांस परफॉर्मेंस आइदर यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूं आप सब लोगों के लिए। और गोविंद की डांस परफॉर्मेंस तो माइंड ब्लोइंग थी, उसने तो बहुत ही प्यारा डांस किया था। आप में से बहुत सारे लोगों को शिकायत थी कि मेरा मेहंदी का ब्लॉग बहुत ही छोटा था। आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट दैट। होता क्या है, कभी कभी आप रिकॉर्डिंग के चक्कर में ना उस मोमेंट को इन्जॉय नहीं कर पाते हो। इसीलिए बस मैं कोशिश कर रही थी कि हर मोमेंट को मैं इन्जॉय भी करूं, साथ साथ रिकॉर्ड भी करती रहूं, जिससे कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आई विल ट्राई कि आगे आने वाले सारे वीडियोस अच्छे लेंथ के हों, जिससे कि आप भी इन्जॉय करें। और अब हो रही है भैया भाभी की रिंग सेरेमनी। बहुत ही क्यूट मोमेंट था, इन दोनों ने एक दूसरे को ऑन द नीज रिंग पहनाई थी, बहुत ही प्यारा लगा। गॉड ब्लेस दिस ब्यूटीफुल कपल। आप सब भी इस नए जोड़े को अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। कुछ पिक्चर्स आप लोगों के साथ एंगेजमेंट फंक्शन की भी शेयर करती हूँ, आप बताइएगा आपको पिक्चर्स कैसी लगी। और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, मैं बहुत सारी पिक्चर्स एंड वीडियो क्लिप्स आप लोगों के साथ वहाँ पे भी शेयर करूँगी। तो बस
इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बहुत सारा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको और भी ज़्यादा अमेजिंग फन इंडिया के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे आगे आने वाले दिनों में। एंड या विद दिस आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वन। तब तक के लिए आप बहुत सारा ख्याल रखो, खुश रहो और ये बताइएगा कि आपको सारे फंक्शन के लुक्स कैसे लगे। टेक केयर, बाय।